नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सीधे आपको सीकर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। बाबूलाल धार लगातार सहयोगी वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बाबूलाल, बातचीत करिए जरा लोगों से। बहुत दूर है, लेकिन सामने का नजारा देखिएगा। जितनी भीड़ मेरे पीछे है उससे कहीं ज्यादा आगे की तरफ लोग हैं, और जो लोग हैं वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। बस वो यही कह रहे हैं कि अमित शाह आएंगे तब हम यहाँ से जाएंगे। उनके उनका दर्शन उनको नजदीक से देख करके ही लोग यहाँ से जाने की सोच रहे हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो कह रहा हूँ, हरी डब्बी लाल डब्बी रश टपके, बेटी चली बाप के, जुवाई टच के, ये निश्चित तौर से ये हार है कम्युनिस्टों की। और कांग्रेस के जो यहाँ के बड़े नेता थे, उन्होंने अपना ग्राउंड छोड़ दिया, उन्होंने अपना मैदान छोड़ दिया, और ऊंट मरे जहाँ चींचड़ा, तीन दिन पहले जगह छोड़ दे, राजस्थान की ये कहावत है। और गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी यहाँ का जगह छोड़ दी, और कांग्रेस राजस्थान में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची है, क्योंकि हर जगह पेपर लीक हुआ है, 19 के 19 पेपर लीक हुए हैं। उन सब का हिसाब राजस्थान की जनता लेगी, क्योंकि राजस्थान का युवा परेशान हुआ है। वही SOG थी, वही BL सोनी आरोप लगा रहे हैं निश्चित तौर से कि SOG के हाथ बांध दिए गए थे, और अगर आप उस हाथ को खोल देते तो निश्चित तौर। आपको क्या लगता है, ये जो भीड़ है ये क्या इशारा कर रही है? ये इशारा मोदी जी की ओर कर रही है, और सीकर में जो अमित शाह जी आए हैं वास्तव में उनको देखने के लिए, और BJP की एक लहर के रूप में देखी जा रही है। तो एक लहर है, एक उन्माद है अमित शाह को नजदीक से देखने का, और उनको निहारने के लिए जिस तरह से लोग उमड़े हैं एक झलक पाने के लिए, वो ये बताता है कि सीकर जो है उसमें पूरे राजनीतिक समीकरण आज के बाद पूरी तरह से अलग तरह से बनते हुए नजर आएंगे, और लोग जो है आज से चर्चाएं दूसरी तरफ से करने लग जाएंगे। और ये जो भीड़ है ये बता रही है कि किस तरह से लोगों का जोश कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो जोश दिखाई दे रहा है लोगों में, BJP कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। ये जो तस्वीर आप देखिए जरा, चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर झंडा इस वक्त चारों तरफ दिखाई दे रहा है, और जबरदस्त जोश। लोग कह रहे हैं कि बिना अमित शाह को देखे वो यहाँ से हिलेंगे नहीं, भले ही कितने भी घंटे इंतजार करना पड़े। और ये जोश कई मायनों में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी के तौर पर BJP के लिए। बाबूलाल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, और सीकर जो है कोचिंग इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी से यहाँ पर पनपी है। कोटा के बाद सीकर जो है नगरी और बड़ी संख्या में स्टूडेंट मोदी को लेकर बहुत जल्द है, और हर वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। गांव की संख्या में किसान आए हैं, जवान यहाँ पर हैं, इसके अलावा ऐसा कोई वर्ग और महिलाएं भी हाथों में मोबाइल ले लेकर यहाँ पहुँची है, और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से वो अमित शाह जी आ रहे हैं। कितनी खुशी है, आप अपनी आंखों के सामने अमित शाह जी को देखेंगे? बहुत खुशी है, हमें इतनी ज्यादा खुशी है कि बता ही नहीं सकते हैं। हमारे घर में आज खाना बनाना था, वो छोड़ के भाग के आए। हम काम छोड़ के आए क्या? आप पढ़ाई छोड़ के आए यहाँ पर? बेटा बोल, अमित शाह जी को देखने के लिए? नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ के आए, तो सिर्फ देखने आए उनको। मोदी जी के फैन, इसलिए देखने के लिए आए। मोदी जी के फैन आ रहे हैं इस बार? मोदी जी आएंगे, पक्का आएंगे। BJP जिंदाबाद। तो भीड़ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये बेहद सुखद तस्वीरें हैं बाबूलाल, BJP के लिए, क्योंकि उत्साह काफी ज्यादा वहाँ पर लोगों में, जैसा कि वो भी आज अमित शाह के रोड शो की वजह से यहाँ पर रुक गए हैं, और सब लोग यही सोच के आप चाहे कि एक झलक अमित शाह को साबित करता है कि अमित शाह का क्रेज इनकम। आप देखिए कि किस तरह से कुम उमड़ा हुआ है, उनके लिए उनको देखने के लिए, झलक पाने के लिए। ये गृह मंत्री अमित शाह का काफिला शो है,
और बातचीत करेंगे। मुझे लग रहा है कुछ लोगों से बातचीत करनी चाहिए, मैं चाहूंगा एक बार आगे आइए और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपको दिखाएंगे कि जिस हिसाब से एक हुजूम उमड़ा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अंदर ले जाऊंगा। लहर पैदा होगी और रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में अभी जो है वो ये रोड शो और हर तरफ जो है जोशीली भीड़ और सब लोग अमित शाह के समर्थन में उनको करीब से देखने के लिए यहाँ पर लालायित दिख रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मौका, एक बहुत बड़ा इवेंट आज सीकर में जिसका गवाह बनने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, एक बड़ा इवेंट बीजेपी के लिए जहाँ पर उत्साह काफी ज्यादा लोगों में है। और जैसा कि आपने महिलाओं से बात की बाबूलाल, वो कह रही है कि घर का काम काज कर छोड़कर यहाँ पर अमित शाह को देखने आई हुई हैं। भीड़ काफी ज्यादा, उत्साह काफी ज्यादा है वहां पर लोगों में, और अमित शाह इसे लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर ये खुशी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए काफी सुखद तस्वीरें हैं बाबूलाल। और क्या कह रहे हैं वहां पर लोग, मूड क्या है लोगों का, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ पहुंची है और लोग वहां पर कह रहे हैं कि फिर से बीजेपी आएगी। बिल्कुल, ये तो वन वे ट्रैफिक हो गया एक तरह से, और बीजेपी को तो लगता है कि अब तो कोई चुनौती बची ही नहीं है। मोदी की जो गूंज 2014 में और 2019 में आपने सुनी होगी चुनाव में, वैसी गूंज यहाँ पर रोड शो में भी दिखाई पड़ रही है। और लगता यही कि कहीं कोई कम असर नहीं हुआ है। मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि 10 साल किसी सरकार को हो जाते हैं तो सत्ता विरोधी लहर पनप जाती है, लेकिन लोकप्रियता का ग्राफ कहीं भी गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा। उल्टा लग ये रहा है कि और ज्यादा लोकप्रियता में इजाफा हो गया है। नई पीढ़ी मोदी के साथ में कनेक्ट हुई है और अमित शाह के विजन के साथ में वो जुड़ी है। तो ये चीजें बता रही हैं कि देश की जनता की जरूरत क्या थी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए जिस तरह के काम किए गए, जिस तरह के काम हाथ में लिए गए, उनको पूरा करके दिखाया गया। और यही वजह थी कि जनता लगातार जुटती चली गई और लोकप्रियता में कहीं भी कोई कमी नहीं आई। स्पीड थोड़ी बढ़ा दी गई है क्योंकि अमित शाह को जयपुर जाना है, वहां पर भी बैठकों का दौर उनका रहेगा, तो अब वो जल्दी यहां से निकल करके और हेलीपैड पहुंचेंगे क्योंकि शाम होने के बाद में उड़ान नहीं भरी जा सकती। तो ऐसे में बहुत स्पीड है, लेकिन युवा आगे दौड़ रहे हैं और उनकी गाड़ी भी बहुत तेजी से आगे जो आखिरी पॉइंट है वहां तक पहुंचेगी। तो ऐसे में वो हाथ हिला रहे हैं। छतों पर जनता आप देख सकते हैं, हर तरफ लोग जो है अभिवादन कर रहे हैं अमित शाह को, देश के गृह मंत्री को, और उनको आयरन मैन कहा जाता है। बिल्कुल, आयरन मैन भी कहा जाता है और बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है अमित शाह को। और उनकी रणनीति का काट निकाल पाना कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। और बाबूलाल, इससे पहले जो बैठक हुई, चूंकि आगे भी कुछ बैठकें होने वाली हैं, जो कोर कमेटी की बैठक हुई, 5 लोकसभा सीटों को लेकर चिंतन किया गया, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी थोड़ी कमजोर है, तो वहां पर भी जीत को लेकर खास रणनीति बनाई गई होगी कार्यकर्ताओं के साथ। देखिए, आते ही अमित शाह सीधे होटल ललित पहुंचे और वहां पर चूरू, झुंझुनू, नागौर, दौसा और करौली के जो नेता हैं उनसे रूबरू है, वहां की जो कोर कमेटी के साथ में उन्होंने बैठक करी है और जमीनी हालात जाने उन्होंने कि किस तरह की मुश्किलें हैं वहां पर और किस तरह से जीत के मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। नए कैंडिडेट्स दिए हैं अधिकांश जगहों पर बीजेपी ने, तो जो नया प्रयोग है वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए, कोई छोटी सी गलती कहीं हो जाए तो। अमित शाह क्या है कि सारी चीजों का होमवर्क करते हैं, सबको सामने बैठाते हैं, बातें करते हैं, कहाँ चुनौती है, उसे पार पाने की दिशा में करना क्या है, तो वो एक्शन मोड में रहते हैं और जो फैसले लिए जाने जरूरी हैं उनको वो लेते हैं। यही वजह है कि बीजेपी जब जीतती है तो फिर अमित शाह की रणनीति का उसमें साफ साफ असर दिखता है। तो इस बार जिन जिन सीटों पर मुकाबला माना जा रहा है उन सीटों पर पहले ही दिन अमित शाह ने फोकस कर दिया, और चूरू में क्योंकि देवेंद्र जाजड़िया नए चेहरे हैं, अब पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, राहुल कसवाका पार्टी ने वहां से टिकट काटा, तो देवेंद्र जाजड़िया के सामने मुश्किलें कहाँ हैं, किस तरह से उनकी राय आसान की जा सकती है। तो इस पर आते ही अमित शाह ने मंथन किया वहां पर
नागौर में ज्योति मिर्जा के सामने हनुमान बेनीवाल आ गए हैं, तो किस तरह से हनुमान बेनीवाल को बेनीवाल चुनौती दे रहे हैं, क्या चीजें ऐसी की जाएं जिनसे जो है ज्योति मिर्जा का माहौल बेहतर बने और ज्योति मिर्जा चुनाव जीते, इसको लेकर के उन्होंने वहां के तमाम नेताओं से बातचीत करी है। और इसके अलावा उन्होंने दौसा में, क्योंकि मुरारी लाल मीणा बड़े बड़े लोकप्रिय नेता हैं उस इलाके के, मंत्री रहे हैं सचिव, तो उनके सामने कन्हैयालाल मीणा को मैदान में उतारा है, तो वहां की जो ताजा राजनीतिक तस्वीर है जी बहुत ही मधुर स्वर लहरिया, यहाँ पर स्टूडेंट्स की ओर से बैंड बिखेरता हुआ, एक बार ये धुन सुनाते हैं आपको। तो ये भीड़ आप देख पा रहे हैं, अमित शाह का जादू है ये, और यही जादू है कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, महिलाएं अपना घर का काम छोड़कर अमित शाह की एक झलक के लिए इस वक्त उनका इंतजार कर रही हैं। अब दूर तक नजर दौड़ाइए, सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी आपको, और ऐसे में उत्साह बढ़ जाता है काफी ज्यादा, न सिर्फ अमित शाह का बल्कि जो कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं उनका भी और सभी कार्यकर्ताओं का भी। ये तस्वीर बेहद खास है, बीजेपी के लिए बेहद सुखद भी है, क्योंकि ये दौरा भी अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण है। कोशिश यही की गई थी कि जब अमित शाह यहां पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ को जुटाया जा सके, और कहीं ना कहीं बीजेपी इस मकसद में भी कामयाब होती हुई नजर आ रही है, जब बड़ी संख्या में लोग आज गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। ट्रैफिक को लेकर भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा, ऐसे में कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है लगातार। हम आपको वो मैप के जरिए भी बता रहे हैं कि कौन कौन से वो रास्ते जहां से गृह मंत्री अमित शाह का काफिला गुजर रहा है। बाबूलाल धाल लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, बाबूलाल कहां कहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन, क्योंकि जो लोग हमें देख पा रहे हैं, जो लोग बाहर निकलने वाले हैं उन्हें फजीहत ना हो। और देखिए अमित शाह गाड़ी में सवार होकर के निकल पड़े हैं मदनलाल के साथ में, और हेलीपैड पहुंचेंगे सीधे, वहां से उनका जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है, और जयपुर से जयपुर में वो देर रात तक बैठकों में व्यस्त रहेंगे। कल उनका जोधपुर में कार्यक्रम है, तो सीकर में एक ऐतिहासिक रोड शो करने के बाद अमित शाह अब सीकर में हेलीपैड पहुंच रहे हैं और वहां से सीधे जयपुर पहुंचेंगे। तो एक कामयाब रोड शो, पहले दिन एक जबरदस्त झांकी यहां पर देखने को मिली है। सीकर में सारे पूर्वानुमानों को झुठलाते हुए बीजेपी ने शॉर्ट नोटिस पर ये रोड शो किया, और जिसमें हजारों की तादाद में जनता उमड़ी, और एक तरह से कहा यह जा रहा था कि कॉमरेड अमराराम मजबूत चुनौती पेश करेंगे, लेकिन आज के बाद में चुनौती बढ़ती हुई कॉमरेडों के सामने और कांग्रेस के सामने, किस तरह से वो अब इस चुनौती से निपटेंगे। अमित शाह के इस रोड शो का जो हिस्सा लोग बने हैं उनके दिल दिमाग में बीजेपी और ज्यादा मजबूती से अपनी पैठ बनाती हुई, और बीजेपी जो है वो अब आगे की तरफ देख रही। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो आपने देखा, जहां पर बड़ी संख्या